सरेरा बम से हमला, ताबड़तोड़ फायरिंग, पीछा करते बदमाश फिर से बमबारी और दो लोगों को की हत्या। ये डकैती पिक्चर यूपी के प्रयागराज की है। राजू पाल हत्याकांड के मुख्य गवाह उमेश पाल की उसके घर के सामने गोली मारकर हत्या कर दी गई। उनके गनर की मौत हो गई। आरोप बाहुबली और पूर्व सांसद आतिक अमर और उसके परिवार पर लगा है। 18 साल पहले साल 2005 में ऐसे ही बीच सड़क पर राजू पाल की भी चारों तरफ से घेर कर बदमाशों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी। तब राजू पाल बीएसपी से विधायक थे। तब भी आरोप आतिक अहमद और उसके भाई पर लगा था। इलाहाबाद में दिन दहाड़े हुए इस हत्याकांड ने यूपी की सियासत में हड़कंप मचा दिया था। सियासत के आज के अंक में जानेंगे कि कैसे आतिक अहमद और राजू पाल के बीच दुश्मनी बढ़ी और देखते ही देखते खूनी संघर्ष में बदल गई। साल था 2004। बाहुबली आतिक अहमद फूलपुर से सांसद का चुनाव जीत गए थे, इसीलिए इलाहाबाद पश्चिमी की विधानसभा सीट खाली हो गई थी। उपचुनाव की घोषणा हुई तो इस सीट से आतिक अहमद के भाई अशरफ अहमद ने पर्चा भरा, लेकिन उस वक्त एक और पर्चा भरा गया। वो पर्चा था धूमगंज थाने के हिस्ट्री सीटर रहे राजू पाल का। इस उपचुनाव में राजू पाल ने बड़ी जीत दर्ज की और आतिक अहमद के भाई अशरफ की उतनी ही बड़ी हार थी, क्योंकि इलाहाबाद में आतिक अहमद का दबदबा था, लिहाजा उनके पास सामने कोई सर उठाने की हिम्मत नहीं करता था। विधायक बनने के बाद 2005 में राजू पाल ने पूजा पाल से शादी कर ली थी। उस दौरान पुलिस ने बताया था कि शुरुआत में राजू पाल पर कई तरह की आपराधिक घटनाओं में शामिल होने के मुकदमे दर्ज होते रहे। पुलिस ने कई बार गिरफ्तार भी किया था। विधायक बनने से पहले 2002 से 2004 तक फरारी के दौरान वह कटघर के मुट्ठीगंज में रहने वाली पूजा पाल के घर में ठहरते थे। पूजा के पिता की साइकिल पंचर की दुकान थी। पूजा और राजू के बीच नज़दीकी हुई और फिर बीएसपी के टिकट पर विधायक चुने जाने के बाद जनवरी 2005 में राजू पाल ने पूजा पाल से विवाह कर लिया था। 25 जनवरी 2005 गणतंत्र दिवस के एक दिन पहले का समय, पूरा इलाहाबाद शहर के तिरंगे से अटा पड़ा था। दोपहर के करीब 3 बज रहे थे। इलाहाबाद पश्चिमी से तत्कालीन बीएसपी विधायक स्वरूप रानी नेहरू अस्पताल से बाहर निकले और अपनी दो गाड़ियों के काफिले के साथ घर की तरफ बढ़ने लगे। हरे रंग की क्लासिक गाड़ी वो खुद चला रहे थे। उनके बगल में वाली सीट पर उनके दोस्त की पत्नी रुखसार बैठी थी, जिन्हें चौफट ठका के पास से राजू पाल ने गाड़ी में बिठाया था। इसके अलावा राजू के साथ संदीप यादव और देवीलाल भी गाड़ी में पीछे बैठे हुए थे। दोनों गाड़ियां सूले में सराय जीटी रोड पर अमित दीप मोटर्स के सामने पहुंची ही थी कि एक गाड़ी राजू पाल की गाड़ी के आगे आ गई। फिल्मी अंदाज में अचानक सामने आई गाड़ी से संभलने का मौका मिलता कि सामने का शीशा चीरते हुए एक गोली राजू पाल के सीने में लगी। एक ही पल में 5 हथियारबंद सामने वाली गाड़ी से बाहर आए और फायरिंग शुरू कर दी। 3 लोग राजू की गाड़ी पर ताबड़तोड़ गोली बरसा रहे थे, जबकि 2 हमलावर पीछे वाली स्कॉर्पियो पर फायरिंग झोंक रहे थे। दिन दहाड़े गोलियों की बौछार देख घटनास्थल पर मौजूद लोग बचने के लिए दूसरी तरफ भागे, तो वहीं थोड़ी ही दूर मौजूद लोग गाड़ियों की तरफ भागे। इतने बीच में ही हमलावर फरार हो गए। इसके बाद धूमगंज पुलिस स्टेशन से पुलिस बल के अलावा कई अफसर मौके पर पहुंचे। राजू पाल को ऑटो लेकर हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां डॉक्टर ने राजू पाल को मृत घोषित कर दिया। जब शव का पोस्टमार्टम हुआ तो राजू पाल के शरीर से करीब 1.5 दर्जन गोलियां निकाली गई। उनकी गाड़ी में बैठे संदीप यादव और देवीलाल की भी मौत हो गई। दिन दहाड़े हुए इस सनसनीखेज हत्याकांड ने पूरे प्रदेश को हिलाकर रख दिया। इसके बाद मामले में राजू पाल की पत्नी पूजा ने तत्कालीन सांसद आतिक अहमद, उनके भाई अशरफ और 3 अन्य के खिलाफ गंभीर धाराओं में केस दर्ज कराया था। इसी केस के सिलसिले में 24 फरवरी 2003 को गवाह उमेश पाल कोर्ट में अपना बयान दर्ज कर घर लौटा ही था कि हथियारबंद बदमाशों ने उस पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसाई। अस्पताल में डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। उसके साथ उसका गनर भी मारा गया। साल 2005 में राजू पाल हत्याकांड के बाद इलाहाबाद और यूपी की सियासत में बड़ा बदलाव हुआ। साल 2007 में हुई यूपी विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी की हार हुई और बीएसपी ने सरकार बनाई। उधर बीएसपी के टिकट पर चुनाव के मैदान में उतरी राजू पाल की पत्नी पूजा पाल ने बड़े अंतर से जीत दर्ज की। फिर 2012 के चुनाव में अशरफ की बजाय आतिक अहमद ने खुद पूजा पाल के सामने ताल ठोकी, लेकिन उससे भी हार ही मिली। पूजा लगातार 2 बार विधायक रही, लेकिन 2017 में मोदी लहर के सामने उन्हें सिद्धार्थ सिंह ने हार का सामना करना पड़ा। फिर 2022 में विधानसभा चुनाव में उन्होंने पाला बदल और हाथी के साथ छोड़ साइकिल पर सवार हो गईं। इसके साथ ही उन्होंने अपनी सीट भी बदल ली। इलाहाबाद पश्चिमी सीट को छोड़कर उन्होंने कौशाम्बी
कि चायल विधानसभा सीट से समाजवादी पार्टी टिकट पर चुनाव लड़ा और जीत दर्ज की। पूजा पाल तीसरी बार विधायक चुनी गई, लेकिन प्रयागराज में 24 फरवरी 2023 में हुए दोहरे हत्याकांड के बाद एक बार फिर सियासी आरोप प्रत्यारोप शुरू हो गया है। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि सियासी हत्याओं के लिए कुख्यात रहे यूपी में क्या कुछ नहीं बदला है। ठोको नीति और बुलडोजर जस्टिस से कानून व्यवस्था को पटरी पर लाने का आसमानी दावा किए जा रहे हैं, लेकिन जमीन पर लोग लहूलुहान क्यों हुए जा रहे हैं।